लव एंड द वर्ल्ड लव्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन। दोस्तों, मैं किसी फिल्म को एक से ज़्यादा बार नहीं देख सकता अगर वो ओल्ड बॉय ना हो तो। रिवेंज की एक ऐसी स्टोरी जिसे जितनी बार देखे एक नया एंगल देखने को मिलता है। ऐसे एंडिंग इससे पहले आज तक किसी फिल्म मेकर ने दिखाने की कोशिश नहीं की। जो फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है अंत में जाकर वैसा ही हुबहू कंपोजिशन को क्रिएट कर ये फिल्म एक सर्कल को पूरा करता है। रिपीटेड शॉर्ट कंपोजिशंस, सिंबॉलिक इमेजरी, रिपीटेड कोट्स, रिपीटेड इमेज को लेकर एक सर्कल को पूरा किया जाता है जो ऑडियंस के सारे सवालों के जवाब देने का काम करती है। फिल्म स्टार्ट होती है रूफटॉप की एक सीन के साथ जिसमें ओदासो किसी सुसाइडल इंसान को बचाता हुआ दिखता है। उसे अपने 15 साल के इम्प्रिजनमेंट की स्टोरी सुनाता है। स्टोरी शुरू होती है, दासू अपनी बेटी के बर्थडे के ही दिन ड्रंक होने की वजह से पुलिस स्टेशन में बैठा पाया जाता है और वहाँ नशे में काफी उत्पात मचाता है। उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए एक टॉय एंजल विंग्स होती है जिसे वह फ्लैप कर उसको दिखाता है। फाइनली उसके फ्रेंड जो हुआन उसे पुलिस से छुड़ा कर ले जाता है। ये रास्ते में फोन बूथ से अपने घर पर बात कर रहे होते हैं और वहां से अचानक दासू गायब हो जाता है। उसे किसने किडनैप किया, कहां रखा है और क्यों, कुछ नहीं पता। उसका एक ही सवाल होता है, उसे किसने किडनैप किया है। वो प्रिजन में उन लोगों का एक लिस्ट बनाता है जिन लोगों को उसने अपने लाइफ में आज तक हर्ट किया होता है। उस लिस्ट को देखकर उसे अपने नॉर्मल लाइफ होने पर भी शक होने लगता है। 15 साल की इम्प्रिजनमेंट में लास्ट के 10 साल वो खुद को एक केयर फ्री आउट ऑफ सेफ बिजनेसमैन से फुल ऑफ पर्पस वन मैन किलिंग मशीन में बदल लेता है। और जब उसे रिलीज कर दिया जाता है मीडो के हेल्प से अपनी बेटी के बारे में जान पाता है कि किसी अमेरिकन ने 15 साल पहले उसे अडॉप्ट किया है। अब उसके जीवन का एक ही एम होता है जिसने उसके वाइफ और लाइफ के 15 साल को उसे छीना है, उसको मारकर उसके शरीर के आखिरी हिस्से तक को निगल जाना। और फाइनली जब उसका सामना उसे किडनैप करने वाले वुजिन से होता है तब एक और सवाल उसके इंतजार कर रही होती है। वुजिन कहता है, मेरे लाइफ का रिमोट मेरे पास ही है, मैं जब चाहूँ उसे अपनी जान ले सकता हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम ये कभी नहीं जान पाओगे मैंने तुम्हें आखिर किडनैप क्यों किया। जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी यह पता करने में लगाओ कि मैंने तुम्हें किडनैप किया क्यों, और जिस दिन तुम ये पता लगा लोगे मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। दासू अपनी स्कूल विजिट करता है जहां वो लोग साथ पढ़ते थे और ठीक उसी स्पॉट में जाकर वो उस सीन को दोबारा अपने माइंड में देखता है जब उसने ली वुजिन को उसकी बहन ली सुआ के साथ इंस्टीट्यूट क्राइम करते देखता है। वो फाइनली आकर वुजिन को कन्फ्रंट करता है। दासू कहता है, मैंने तुम्हारे इंस्टीट्यूट अफेयर के बारे में रूमर फैलाया था और तुमने डर से अपनी बहन को मार डाला और तुम उसका दोषी मुझे मानते हो, क्या सच नहीं? अब जैसा तुमने कहा था खुद को शूट करो। वुजिन हंसता हुआ कहता है, ओ दासू तुम जानते हो वुजिन ने नहीं बल्कि दासू के जबान ने मेरे बहन को प्रेग्नेंट कर डाला। तुम्हारा रूमर इतना फैल गया कि अगला रूमर सुआ प्रेग्नेंट है, इससे मेरी सिस्टर उबर नहीं पाई और वह बिलीव करने लग गई कि वह सच में प्रेग्नेंट है। उसकी पीरियड रुक गई, उसकी बेली बाहर रहने लगी। इंटरेस्टिंग है नहीं? दासू अगर तुम जवाब ढूंढ नहीं पाए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर तुम खुद से बार बार गलत सवाल करते रहोगे तो तुम्हें सही जवाब कभी नहीं मिलेगा। सवाल यह नहीं वुजिन ने मुझे क्यों किडनैप किया, सवाल यह है कि उसने मुझे छोड़ा क्यों, वही 15 साल बाद क्यों। वो जिन दासू से वैसे ही रिवेंज लेना चाहता था उसे किसी अपने के साथ इंस्टीट्यूट क्राइम कराकर, और इस रिवेंज के लिए 15 साल तक वेट करता है ताकि जब उसकी बेटी औरत बन जाए तब उससे इंसिस्ट करवाकर बदला ले सके। 15 साल तक दासू को कैप्टिविटी में रखकर उसकी बेटी मीडो को सीक्रेटली पालता पोसता रहा। 15 साल बाद इन दोनों को हिप्नोटाइज करके एक दूसरे से मिलवा देता है और दासू अपनी ही बेटी मीडो से रिलेशन बना लेता है। उधर वुजिन मीडो को वही टॉय एंजल विंग्स डिलीवर करता है जो दासू के किडनैप के दिन मीडो को देने के लिए दासू के पास होता है। वो उसे ठीक वैसे ही फ्लैप करते हैं जैसे उस दिन दासू पुलिस स्टेशन में कर रहा होता है। इधर दासू इस पाप को जानकर पागल सा होकर वुजिन से मीडो को कुछ न बताने की भीख मांगता है। वुजिन दासू को वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां वो कभी खुद था। यहां दासू और वुजिन की सिमिलैरिटी को दिखाया जाता है कि सही कौन और कौन गलत, आप इसका आंसर कभी ना दे पाए। वुजिन मान जाता है और मीडो को पता नहीं चलने देता। उसके बाद वो खुद को शूट कर लेता है। फिल्म उसी कोट के साथ खत्म होती है जो सुसाइडल इंसान फिल्म के शुरू में कहता है, इवन दो आई एम नो बेटर देन अ बेस्ट बट आई हैड द राइट टू लीव। और वो अपनी बेटी के साथ इंस्टीट्यूट अफेयर को भुलाने के लिए उसी मिस यू से हिप्नोथेरेपी करवाता है जिसने उसे पहले वुजिन के कहले पर किया था। यहाँ दासू का एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिखाया जाता है जिसके सेम पेंटिंग प्रिजन की दीवार पर टंगी होती है, जिसमें वो रो रहा है या हंस रहा कुछ क्लियरली पता नहीं चलता, जो ऑडियंस के मन में डाउट को जन्म देता है वो वाकई में सब कुछ भूला भी है या नहीं, जिसके बाद वो फिर मीडो से मिल जाता है। दोस्तों, इस फिल्म में हम देखते हैं कि जिस चीज को हम नॉर्मल मानते हैं वो वाकई में नॉर्मल नहीं होता, किसी के बारे में रूमर फैलाना कितना गलत हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे आशा है आपने इसे पसंद किया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मैं इसे फिल्म की स्टोरी लेकर आता रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।